फटाफट से मेरे को दाल मखनी खानी है, तो फिर झटपट बनाने के लिए मैंने दाल को तो वैसे गर्म पानी में भिगो कर रख दिया है। तो मैं आपको बताऊंगी 5 मिनट में मैंने दाल मखनी कैसे बनाएंगे, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में, उसमें कोई प्याज भी नहीं डलेगी और बहुत जल्दी बन जाएंगी सेम रेस्टोरेंट जैसी दाल मखनी बनेगी। तो चलिए बनाते हैं। चलो दाल मखनी बनाने के लिए फ्रेंड, सबसे पहले मैंने एक कटोरी उड़द की दाल में, साबुत उड़द में, एक मुट्ठी राजमा डाल के उसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया। देखो अब ये थोड़ा फूल गए हैं अच्छे से, 3 घंटे मैंने इसको भिगोया था। अब मैं इसको देखो अच्छे से मेरे फूल गए हैं, और इसमें पानी इतना मैं डालूँगी, आधा कुकर पानी। अब इसको मैं सीटी लगा लूँगी अच्छे से, ये भीगे हुए उड़द और राजमा इसमें डाल दूँगी। कम से कम आधा घंटा इसमें मुझे सीटी लगानी है, एक फुल गैस करके आप उसमें सीटी लगा लो। अब इसमें मैंने नमक और हींग डाल दिया है, हींग इसलिए डाला है ज़्यादा ताकि गैस ना बने। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कुकर में मैंने ढक्कन लगा दिया है, और एक सीटी लगाने के लिए मैंने गैस तेज करी है, सीटी मेरी आ गई है। अब मैं इसको सिम कर लूँगी गैस को 1/2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से मैश हो जाए। विसल नीचे कर देती हूँ। अब गैस मैंने सिम कर दी 1/2 घंटे की। अब मैं इतने पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैंने एक कढ़ाई में पहले घी डाला है, उसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट का एक पैकेट डाल दी, फिर मैंने उसमें टमाटो प्यूरी डाल दी है। इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डालना, सिर्फ टमाटर प्यूरी डालनी है आपको, 3-4 टमाटर पीस के सिर्फ ये डालना है, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर प्यूरी। और इसमें आप नमक डाल दीजिए, मैं असली घी में इसको भुनाती हूँ ताकि टेस्ट अच्छा आए। अब इसको हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। देखो इसमें बॉयल आना अच्छे से स्टार्ट हो गया। अब मैंने इसमें 1 क्यूब बटर की डाली है ताकि टेस्ट अच्छा आएगा, और इसमें नमक भी डाल देना अकॉर्डिंग टू टेस्ट। देखो इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। दाल मखनी में प्याज नहीं डलते हैं इसलिए वो अच्छा टेस्ट आता है, सेम रेस्टोरेंट जैसी बनती है। ये मेरा बन गया, देखो ऑयल छोड़ दिया। मेरी दाल भी देखो अच्छे से घुट गई है, राजमा और उड़द अच्छे से मिक्स हो गया। मैं उसको इस पेस्ट में डाल दूँगी, मैंने डाल दिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देखो मेरी दाल मखनी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, इसको मैं 5 मिनट के लिए पकाऊँगी, और इसके ऊपर मैं डालूँगी। अब अच्छे से इसको पहले मिक्स करूँगी, फिर इसमें मैं अमूल फ्रेश क्रीम मिक्स करूँगी 2 चम्मच, और पनीर को ग्रेट करके डालूँगी। देखो मेरी दाल मखनी रेडी। मेरी दाल मखनी तो बनके रेडी हो गई है, तो इसको आप भी ट्राई करिए, सेम इसका रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा। इसमें मैंने देखो प्याज भी यूज़ नहीं की है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में प्याज यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट ही डालते हैं और टमाटर प्यूरी डालते हैं। तो आप भी उसको बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।